फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद बेल आइकन का घंटी घंटी के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड एप्स WK। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में फिर से आपके साथ हाजिर है एक न्यू एप्लीकेशन के साथ, जिसका रेटिंग आप देख सकते हैं फ्रेंड 4.6 इसका रेटिंग है। और इस एप्लीकेशन का नाम है फ्रेंड OB कैश लोन। तो फ्रेंड, ये जिस आप जैसे कि समझ सकते हैं, ये एक लोन एप्लीकेशन है। तो आगे आपको बताने वाले हैं कि इस एप्लीकेशन के थ्रू आप किस तरह से लोन ले पाएंगे या फिर इस एप्लीकेशन को आप किस तरह से पूरी तरह से यूज कर पाएंगे। तो फ्रेंड, ये एप्लीकेशन जो है आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, मेरे मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल है। तो चलिए ऐप को ओपन करते हैं। ऐप ओपन होने के बाद फ्रेंड, यहाँ पे आपको कुछ परमिशंस मांगेगा, तो आपको यहाँ पे अग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे आपको वैलिड मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो चलिए मोबाइल नंबर को एंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद फ्रेंड, नीचे देखिए नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड, आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। तो फ्रेंड, मेरे मोबाइल में OTP आ चुका है, तो चलिए OTP को यहाँ पे एंटर कर देते हैं। मैंने OTP को यहाँ पे एंटर कर दिया। नीचे आपको साइनिंग इन का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, OTP डालने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आएगा। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैक्सिमम जो लोनेबल अमाउंट रहेगा वो आपका 50,000 करके रहेगा, मतलब 50,000 तक का आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो अब आते हैं फ्रेंड कि लोन के लिए आप अप्लाई किस तरह से कर पाएंगे। तो फ्रेंड, ऊपर आप जैसा कि देख सकते हैं आपको चार ऑप्शंस मिल जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है लोन, दूसरा है लोन मार्केट, तीसरा है बैंक कार्ड का और चौथा है कस्टमर सर्विस का। तो चलिए फ्रेंड, फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं, लोन के ऊपर क्लिक करते हैं। लोन के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड, देखिए यहाँ पे आपको आपका कुछ पर्सनल डेटा वगैरह जो है वो आपको सारा यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, जैसे कि आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पर्सनल डेटा है, फेस ID और बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पे आपको पूरा सबमिट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से बैक आते हैं। बैक आने के बाद फ्रेंड, देखिए यहाँ पे लोन मार्केट का ऑप्शन है, तो लोन मार्केट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड, अगर आपने यहाँ से लोन लिया हुआ है या फिर लोन के लिए आपने अप्लाई किया है तो वो सारा जो कंडीशंस है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड बैंक कार्ड। ठीक है, तो बैंक कार्ड, तो पहले अगर आपने लोन के ऊपर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पे सबमिट किया है तो यहाँ पे आपका जो बैंक कार्ड है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, मतलब आपका जो बैंक का डिटेल्स है वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद आते हैं फ्रेंड कस्टमर सर्विस के ऊपर। अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप ईमेल आईडी को अपने रजिस्टर कर लेते हैं तो यहाँ से आप इस एप्लीकेशन के थ्रू इस एप्लीकेशन के कस्टमर सर्विस से बात कर सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे फिर से मिलेगा आपको कंटिन्यू सर्टिफिकेशन का ऑप्शन, तो इसके ऊपर भी अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप यहाँ रजिस्टर कर पाएंगे जैसे कि पहले वाले ऑप्शन में था। तो फ्रेंड, ये था पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अपने लोन को प्रूफ कर पाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।